देखते हैं कि जो रेलवे का एग्ज़ाम एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो चल रहा था, जो कि 2019 में फॉर्म भरा गया था, वो कोरोना के कारण अगर शुरू भी हुआ था तो 7th फेज़ जो था वो बाकी रह गया था। तो वह स्टार्ट हुआ है 23 से एग्ज़ाम जो होना है, 23, 24, 26, 31 को एग्ज़ाम जो होना है। उसमें से 23 जुलाई का जो मैथ का जो क्वेश्चन था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उस क्वेश्चन का देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया था और उसका सॉल्यूशन किस तरह से आसानी से निकलता। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है 1 मिलियन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसका सिंपल सा है, इसमें एक वर्ष ये तीन दो वर्ष और 3 वर्ष के लिए अलग अलग इसमें फॉर्मूला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 वर्ष के लिए जो है CI माइनस SI और बराबर P यानी कि मूलधन और R बट्टा में 100 का पावर 2 ये हो जाता। लेकिन यहाँ 2 वर्ष का नहीं पूछा है, 3 वर्ष का पूछा है। तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर CI माइनस SI बराबर यही रहेगा PR/100 और पावर 2 और एगा और इनटू हो जाएगा यहाँ से 300 प्लस R/100, ये एक ऐड हो जाता है। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 3 ईयर के लिए, अगर 3 ईयर का डिफरेंस अंतर निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ से देख सकते हैं कि मूलधन जो है यहाँ पर 1 बिलियन है, 1 बिलियन का 10% पूछ रहा है। तो यहाँ 1 बिलियन यानी कि 10 का पावर 9 होगा और R जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है बाय में 100 का स्क्वायर इनटू, देख सकते हैं यहाँ पर ये 300, ये 300 है और यहाँ पर R मतलब कि 10 जोड़ देना है। तो ये कितना जाएगा, 310 हो जाएगा और बट्टा में 100 रहेगा तो इसका 1010 कट जाएगा। यहाँ से जो आएगा 10 का पावर 9 और गुना में यहाँ से देख सकते हैं ये 1010 कट जाएगा और बच जाएगा 1/10। तो 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 होगा और गुना में है 31 बटा में है 10। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है 2 जीरो यहाँ और यहाँ पर 1 जीरो, 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना जीरो बचेगा, 6 जीरो, ये बच जाएगा यहाँ 6 जीरो, इसको हटा देते हैं, यहाँ 6 जीरो हो गया। तो अब जो होगा 10 का पावर 6 जीरो और गुना में 31 बचा है, मतलब कि 31 गुना 10 का पावर 6 आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 31, ये होगा आंसर तो ठीक है, वरना 31 10 का पावर 6 मतलब यहाँ पर लिख देंगे मिलियन, ये हो गया आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये फिफ्थ रूट अंडर है 32/243। तो यहाँ से इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देख सकते हैं कि ये जो होगा 32/243 पावर में 1/5, ठीक है। यहाँ से 32 जो होगा, 32 का अगर एलसीएम निकाल के देखना चाहें तो एलसीएम निकलेगा 32 का 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में और फिर 2 से 2 बार में। तो ये 2 2 कई बार आ गया, 5 बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 32 के जगह पर लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ठीक है, ये लिखा जाएगा 2 का पावर 5। और यहाँ से 243 का निकालेंगे तो निकाल के देख सकते हो 243 का 3 से 8 बार में, 1 बार में, फिर 3 से 27 81, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, मतलब कि ये 3 3 कितना बार, तो 5 बार आ जा रहा है, यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बटा में, 3 का पावर 5 हो जाएगा और इसका होल पावर 1/5 रहेगा,
1/5। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है 2/3 का होल पावर यहाँ 5 और इसका होल पावर 1/5, तो ये 5 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2/3 आंसर, 2/3 ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ 29 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है, एक फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि सी ए कह सकते हैं, ए सी या सी ए, बात एक ही है। यहाँ से अब इसका वैल्यू बैठा देंगे, ये देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 दिया होती है, यही वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, ए प्लस बी की जगह पर 5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये जो यहाँ पूरा है देख सकते हैं ये इस पूरा की जगह पर 29, तो यहाँ बैठा दिए 29, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस में 2 और ये रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पर सी ए ये रहेगा। तो देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25, ये जो था 29 इधर प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में 29 हो जाएगा बराबर में भी ये रहेगा, ये भी यहाँ देख सकते हैं जब ये सभी को इधर ले आएंगे तो यहाँ 2 गुना में तो 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में, और यहाँ जो निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये निकल जाएगा। तो यहाँ से 25 में 29 नहीं घटेगा तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर -4 और बटन है अभी 2, तो आंसर आ जाएगा -2, 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा, यानी कि -2, ये माइनस आंसर आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, किसी घन का आयतन 27/30 है सेंटीमीटर क्यूब हो तो भुजा ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं घन का जो आयतन होता है ये क्यूब होता है, और ये दिया हुआ है 27,000 है, तो यहाँ पर 27 जो होगा 3 का क्यूब, और इस पर 3 जीरो का निकाल सकते हैं 10 का पावर में 3, ये 1 का क्यूब, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब बराबर 3 × 10 और पावर में 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सॉरी 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर क्या आ जाएगा 3। इसको दूसरा भी तरीके से यहाँ पर आसानी से इसको ऐसा भी निकाल सकते थे कि यहाँ जो है यहाँ से 1 क्यूब, तो ये जो होगा 27 जो है 3 का क्यूब है और 3 जीरो 1 जीरो का क्यूब है, तो अब यहाँ पर क्यूब क्यूब कट गया, ए बराबर सीधा 30 आ गया, ये हो गया आंसर, तो आंसर हो जाता 30 इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं ए और बी किसी काम को कर रहा है तो कितना दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, और बी अकेले उसे, बी जो है अकेले कितना दिन में ख़त्म कर देता, समाप्त कर देता 30 दिन में। तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम निकालना है, 20 और 30 का 60 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 60 को, इस 60 को 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 20 + 60, अब यहाँ से फिर से इस 60 को 30 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, बी का अकेले 2 है, तो यहाँ ए का एफिशिएंसी निकालेंगे क्योंकि यहाँ पूछ रहा है ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ क्या करेंगे, ये जो 3 दोनों का एफिशिएंसी है तो 3 में अगर घटा देते हैं माइनस कर देते हैं 2 तो ये किसका निकल जाएगा, बी हटा दे रहे हैं तो 1 बच जाएगा जो कि ए का है, तो ए का ही पूछ रहा था, तो टोटल कितना है 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ए कितना दिन में काम करेगा, 60 को 1 से भाग देंगे तो 60 दिन में काम करेगा, 60 डेज हो जाएगा, तो ये हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 48% अनुपात में कितना होगा, तो 48% हटा देना बटा में 100 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 4 से कटेगा, 4 एक बार में और ये 8, 4 का पावर 2 बार में, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 × 8 2 बच गया, यहाँ पर 2 बचा, इस 10 से 2 यहाँ बिठा देंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, तो 5 बार में, तो ये आ गया
अनुपात में 12 अनुपात 25 लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर 12 अनुपात 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालना बोल रहा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है, बराबर दिया हुआ 66 सेंटीमीटर। यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर्मूला अगर बैठा देते हैं तो 22 ऐसे भी कट गया, 33 बार में पाई की वैल्यू बैठा देंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 और गुना में आर बराबर 33। ये 22 और 33 कट 11 बार में, ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, 11 से 11/3 से कट जाएगा। तो आर बराबर लिखेंगे तो जो 7 इधर है भागम उधर जाएगा गुना में, तो 7 कितना जाएगा 21 हो जाएगा, और ये बटा जो गुना में 2 था इधर जाकर बटम हो जाता, भागम हो जाएगा, गुना से उधर जाएगा भागम हो जाएगा, तो 21/2 इसका आंसर ये होगा। तो ठीक है, नहीं तो इसका 10.5 आ जाता, ये आंसर आ जाता, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका परिधि सेंटीमीटर में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो है ये समबाहु त्रिभुज था, ठीक है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज था। तो इसका ए बी सी यानी कि बी पर दिया हुआ है 75 डिग्री, सी पर भी 75 डिग्री, तो देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है ये यहाँ पर इसका ये ओ पर, ठीक है, ओ पर, तो ये एंगल निकालना था ओ पर। तो सिंपली देख सकते हैं इस 75 का आधा और इस 75 का आधा, ठीक है, ये जो बाइसेक्ट करता था बी ओ जो बाइसेक्ट कर रहा था एंगल बी को, कौन बी को, और ओ सी ओ एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये 75 था तो पूरा 75 था, तो ये 75 का आधा, ये भी पूरा 75 था, तो ये भी 75 का आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ से इस कोण को निकालना, तो ये 75 का आधा 75/2 और ये 75/2 दोनों को जोड़ देंगे, और इसको भी ओ पर जो एंगल होगा उसको भी जोड़ देंगे। तो 75 का आधा और 75 का आधा जोड़ेंगे तो ये 75 होगा पूरा, और यहाँ जो एंगल ओ पर निकाल रहे हैं उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ओ पर हमको निकालना है, ये तो एंगल ओ पर निकाल रहे हैं 180 में, ये 75 जो था उधर गया, इधर 75 प्लस में उधर गया तो माइनस में, 180 में 75 को माइनस कर देंगे तो 105 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की अंतः वृत्त की त्रिज्या जो होती है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका ऐसा होता है तो इसका त्रिज्या जो होता है आर बराबर यहाँ से हो जाता है a/2√3। तो आर जो दिया हुआ है देखें तो त्रिज्या 3 दिया हुआ है, 3 बैठा देंगे a/2√3। इसका निकालने बोला था क्या, परिधि क्या होगा, है ना, ये निकालने बोला है परिधि। तो परिधि निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका भुजा निकाल लेंगे। भुजा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से देख सकते हैं आसानी से निकल जाएगा, आर बैठा दिए, ये नहीं बैठा है, नहीं निकालना है, ये निकल जाएगा, ये इधर भागा में इधर जाएगा गुना में, तो कितना जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6√3 हो जाएगा यहाँ से। तो ये आ गया 6√3 बराबर ए, तो ए का वैल्यू आ गया। यहाँ से निकालना है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिधि क्या होता है, 3 × a, तो ए का वैल्यू आया है 6√3 और इंटू में 3, तो यहाँ से 6√3 ये आ जाएगा, 6 × 3 = 18 और यहाँ से √3 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर वृत्त त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिधि 18√3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101 का घन लिखने के लिए, तो इसके लिए पिछला पहले वीडियो बना चुके हैं, उसको देख सकते हैं आसानी से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो घन है यहाँ पर पीछे पहले वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को देखकर इसका यहाँ अगर देखे होंगे तो 101 का घन निकाल कर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 243 है, भागा में 3 है तो 1/3 हो जाएगा, फिर भागा 3, 1/3 हो जाएगा, फिर भागा 3 तो 1/3 हो जाएगा, ये 3 से इसको काट देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसको काटते हैं तो 3 8 बार में और ये 3 एक बार में 81, फिर 3 से काटेंगे 27 × 81, यहाँ 27 आएगा, ये आ जाएगा 27, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 9 × 3 = 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा था यहाँ पर कि ये जो कोड था जीवा था ए बी और ये सी डी, तो ए पी दिया हुआ, ये ए पी दिया हुआ 3 और ये बी पी दिया हुआ 8, तो निकालने के लिए बोल रहा है सी पी और पी डी का मान क्या होगा, ये सी पी और पी डी। इसके लिए क्या होता है, ये ए पी अगर इस तरह होता है तो यहाँ से ए पी गुना बी पी बराबर हो जाता है सी पी गुना सी डी, ये हो जाता है। तो यहाँ से ए पी दिया हुआ है 3 और ए डी पी बी या बी पी बात एक ही, 8 दिया हुआ बराबर सी पी गुना सी डी, तो यही सिंपली हो जाता है, 8 दिया 24, यही निकालने के लिए दिया होगा
क्वेश्चन जो मिला है उसके अनुसार ये हो जाता, ये हो जाता 24 आंसर इसका हो जाता सेम जो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कोट पी इज इक्वल टू दिया हुआ है, कोट स्क्वायर पी बराबर 1/4 है, तो यहाँ से स्क्वायर है इसको इधर कर देंगे राइट साइड ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा कोट पी और बराबर में उधर जाकर रूट में, तो 1/1 का रूट जो होता है 1 होता है और 4 का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ से कोट पी बराबर 1/2। तो देख सकते हैं कोट का जो होता है रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में बी बाय पी होता है, तो यानी कि यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है 1 बी है और पी जो है ये 2 है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस ले लेंगे, हाइपोटेनस नहीं मालूम, हाइपोटेनस के लिए पी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से एच बराबर निकलेगा ए बी जो है 1 है 1 का स्क्वायर 1 होगा और पी 2 है 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो एच जो निकलेगा रूट 5 निकलेगा। अब हमें निकालना था किसका वैल्यू, सेक पी का वैल्यू, तो सेक पी का वैल्यू के लिए सेक पी लिखेंगे बराबर जो होगा यहाँ से सेक का होता है बी बाय एच बाय बी होता है, तो एच बाई बी के लिए क्या हो जाएगा एच जो है रूट 5 और बाय में बी जो है यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बी है 1 है तो बटा में 1 रहता है यानी कि सिंपली रूट 5 रहता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इसका गुणनखंड निकालने के लिए बोला गया है, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए 12 2 8 8 2 से दे देंगे यहाँ 6 बार में 1 बार में 4 बार में ये 4 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये चल जाएगा 3 बार में, यहाँ 0 ले लेंगे तो 14 आएगा, तो ये 7 बार में, फिर से ये 2 बार में, फिर से इसको देंगे तो ये 15 दुनी 30 और ये 36 दुनी 72, फिर 2 से 7 दुनी 14 और 6 दुनी 12 फिर 8 दुनी 16 फिर 2 से जाएगा, तो इसी तरह से इसका निकालना है तो 2 का पावर 13 आएगा और 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ जो रहेगा इसका गुणनखंड लिखना था, तो ये जो पावर में दिख रहा है 13 और ये 1, इस 13 को 1 बढ़ाकर अच्छा यहाँ 12 आएगा, इस जगह पे 12 आएगा ठीक है 12, तो ये 12 को 1 बढ़ाकर 13 और ये 1 को बढ़ाकर 2 लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे 13 दुनी 26, तो इसका ये गुणनखंड निकल जाएगा। यहाँ ये 2 का पावर 12 कहाँ से लिखें, इसी तरह से गुणनखंड निकालते जाना है, तो ये 2 कितना बार आएगा 12 बार, तो 2 का पावर 12 हो गया और 1 3 आएगा, तो 3 का पावर 1, तो यहाँ 12 का जो है पावर 1 बढ़ा देना 13 और 3 का पावर 1 जो है उसको 2 बढ़ाकर 1 बढ़ाकर 2 कर देना और इसको गुना कर देना 26, तो इसका आंसर होता 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो संख्या का एलसीएम, तो दो संख्या का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर अनुपात दे, दो संख्या का अनुपात 1:3 है और एचसीएफ 8 है ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसके लिए क्या किया जाता है कि एलसीएम निकाला जाता है, तो एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्या का प्रोडक्ट यानी कि 1:3 और फिर गुना में एचसीएफ ठीक है, तो तीनों को गुना करना, तो इसका आंसर हो जाता 24 हो जाता ठीक है। यहाँ पर ये सिंपली था, इसका रेशियो का प्रोडक्ट करना और जो एचसीएफ था उसका प्रोडक्ट कर देना है ठीक है, ये हो जाएगा, इसका आंसर होता 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ एलसीएम निकालने बोला है, देखिए फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या करना है कि एलसीएम अगर निकालने बोला है तो ऊपर जो है ये सभी ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले के एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा और दोनों का फ्रैक्शन जो होगा वो एलसीएम होगा इस पूरे भिन्न का, अगर एचसीएफ निकालने बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना और नीचे वाले का एलसीएम निकालना, चलिए यहाँ देखते हैं, तो एलसीएम निकालने बोला तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, तो 7 21 28 का 7 होगा और 13 ये 13 और 6 और 10 का, 13, 6 और 10 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो आ जाता है 780, तो ये हो जाता 780/7 इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 5/18 को, 5/18 को कितना से गुना करें, x से गुना करें ताकि 8/6 आ जाए, तो ये इधर टोटल है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो 8/6 और भागा को फिर गुना में चेंज करेंगे तो 5/18 को क्या से कितना से गुना करेंगे, तो ठीक ठीक था कि 8/6 आ जाएगा, 8/6 नहीं था 5 था, यहाँ पर 8/5 आ जाएगा, तो ये इधर 5/18 भागा में गुना में उधर जाएगा तो भागा में फिर भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा यानी कि x बराबर आएगा 8/5 और गुना में 18/5, तो ये सिंपली गुना हो जाता तो 18 8 44 और ये 25, तो ये हो जाता सिंपली आंसर 144/25 हो जाता ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है एक रेलगाड़ी है, ये लोग क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर जो है सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है। यहाँ पर एक रेलगाड़ी की चाल जो है 72 किलोमीटर पर आवर है और कह रहा है पोल को पार करना। देखिए जब भी आएगा पोल का या कोई बिंदु को ट्रेन पार करता है तो उसको कुछ नहीं माना जाता है, उसको ट्रेन को पार करने के लिए मतलब ट्रेन का जो लंबाई रहेगा वही रहेगा। अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो फिर वहाँ पर दोनों का लेंथ को लिया जाता है। यहाँ पर पोल है, पोल एक बिंदु मात्र वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, पार करने में 8 सेकेंड लेता है। तो ट्रेन का सिंपली यहाँ से लंबाई निकाल लेते हैं, तो यहाँ ट्रेन का लंबाई निकालते हैं। तो इसका चाल था 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और कितना सेकंड में? 8 सेकंड में। तो इसको 8 से गुना कर देंगे तो 18 × 72 हो गया, और यहाँ से इसको अगर गुना करते तो 8×40 = 160 मीटर, ये ट्रेन का आ गया, ठीक है। ट्रेन का लंबाई कितना निकल गया? 160 मीटर निकल गया। अब क्या करना है कि ये जो कह रहा है यहाँ पर आगे कि यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो यहाँ ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म को P से दिखाते हैं और ट्रेन को T से दिखाते हैं, दोनों को लंबाई, दोनों पार कर रहा है तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। अब जो है सो कह रहा है कि 72 मतलब उसी स्पीड से जा रहा था, तो 72 और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 कितना सेकेंड में पार कर रहा था, तो इसको जो है सो 36 सेकेंड में पार कर रहा था। तो निकालने बोल रहा था प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई यहाँ से निकल जाएगा, ट्रेन का लंबाई 160 बैठाएंगे, प्लेटफॉर्म का नहीं बैठाएंगे। तो 72 × 5/18 और गुना में कितना, 36। यहाँ से ये 36 × 72 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म को अगर अब निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ बना देते हैं, प्लेटफॉर्म का बैठा देंगे, ये प्लेटफॉर्म का P रहने देंगे और ट्रेन का 160 बैठा देते हैं बराबर में, ये 5 × 10 = 720 आ जाएगा, ठीक है। अब 160 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 720 में ये 720 में 160 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 560 बचेगा। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म का लंबाई आ गया 560 मीटर, ये ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या है, बराबर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आयतन, अच्छा आयतन भी समान है, तो कह रहा है H/R क्या होगा, इसका रेशियो। तो गोले का त्रिज्या R है, दोनों का R R ले लेते हैं, तो इसका आयतन समान है, गोले का 4/3 होता है और π/r³ बराबर गोले बेलन का, तो बेलन का क्या होता है, π/r² H होता है। क्या बोला है यहाँ पर कि ये दोनों का आयतन बराबर है, तो यहाँ से बराबर कर दिए, पाई पाई कट गया, यहाँ से r² और यहाँ से r² कट जाएगा, तो ये बच गया है 4/3 और बराबर में H/r, क्योंकि r जो था इधर गुना में था तो उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि सिंपली H/r का आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से दिया हुआ इक्वेशन ये 3x + 4y = 36 है, तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, जबकि 4 दिया हुआ है, x दिया हुआ है 4। यहाँ से देख सकते हैं 3x और प्लस में 4 बराबर में यहाँ है 36, y 4y था यहाँ पर, y की जगह पर 4 बैठा देना है, तो यहाँ 4 × 16 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो 3x बराबर में 36 और फिर 16 को क्या करना है, माइनस कर देना है, 16 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 20। तो ये 3x = 20, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, 20/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि 175 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 175 रुपये में क्या किया, बेच दिया, 15% की हानि हुई। अब उसी वस्तु को अगर बेचेंगे तो 10% का हानि लाभ होना चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, यानी कि इसके विक्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 15% अगर हानि हुआ है तो ये कितना में इसको खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है 175 रुपये में बेचा तो हानि हो गया, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा रुपये में खरीदा होगा, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपली निकालने के लिए हानि अगर रहेगा, परसेंट कभी भी 100 का रहता है, अगर हानि रहेगा तो 100 में घटा देंगे, 100 में 15 को घटा देंगे, क्योंकि 15% हानि हुआ है, और लाभ होगा वहीं पर तो फिर जोड़ देंगे, तो 15%। तो किसी का भी एक्स का मान लेते हैं, एक्स का 15% यानी कि एक्स में बेचा होगा, तो उसी एक्स का क्या करना है कि 85% निकाल लेंगे, तो 85/100 होगा और बराबर कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स बराबर अगर लिखना चाहें तो आ जाएगा 175 और गुना में 100 और फिर बटा में 85, यह आ जाएगा। तो ये 100 रुपये मतलब इतना रुपये में क्या किया होगा, ये खरीदा होगा। सिंपली अब क्या करना है कि इसको क्या किया है, 10% में बेचना चाह रहा है, मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे 110 हो जाएगा, इसी का 10% कितना आ जाएगा, 125
10 और बटा में 110% वही 100 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से फिर कटेगा तो 17 से, और ये कटेगा तो 17 पचे 85, और ये कितना 22 पचे 10। इसको यहाँ पर एक्स बराबर निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, यहाँ से भागा गुना कर देते हैं 175 को, 175 को 22 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3850। 3850 गुना करके देख लीजिएगा यार, बटा में जो है सो 17। अब इसको भागा दे देंगे तो यहाँ पर भागा देंगे तो ये 226.47 आ जाएगा, ये होगा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था कि यहाँ पर ये 5 5 3 बार है, यानी कि 5 का पावर 3 करने पर ये 125 आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर 7 7 भी 3 बार है, तो 7 का पावर 3 कर देंगे तो ये सिंपली आ जाएगा 343। यहाँ जो होगा ये 343, इसका आंसर होता 343। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उसका HCF 7 है, तो LCM कितना होगा। सिंपली LCM जो होगा रेशियो का प्रोडक्ट, यानी कि 3 × 4 × 5 और गुना में HCF भी, तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसको गुना कर देती है 5×20 = 21, 21 × 42 = 420 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन था यहाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। 1+1+2+3 इस तरह से 50 तक सम है इसका, इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज निकालने के लिए दो फॉर्मूला क्या है, इसका सम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इसको 50 से 50, इसमें टर्म है तो 50 से भाग दे देंगे। एवरेज निकालने के लिए यानी कि औसत निकालने के लिए जो संख्या, सभी संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे भाग दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको निकालने के लिए 1 से 50 तक संख्या है, तो 1 से 50 तक को जोड़ देंगे और सिंपली इसको 50 से भाग दे देंगे। तो 1 से 50 तक जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ से n/2 × 1 और लास्ट टर्म 50। तो 50 यहाँ n जितना टर्म है, 50 टर्म है 50 लिख देंगे, यहाँ 50/2 और गुना में 50 और 1 51 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25 × 51 कर देंगे जो भी आएगा। फिर इसको कितना से भागा देना होगा, 50 से भाग देना होगा, क्योंकि एवरेज निकालना तो 50 तो अंक है संख्या, 50 से भागा देना पड़ेगा। 25 × 25 और 25 × 125 125 और 2 127, ये इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, एवरेज निकालने के लिए 50 से भाग देना होगा, ये तब निकलेगा जाके एवरेज। ठीक है, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसको देख सकते हैं कितना जाएगा, 5 × 10 = 25 और 2 × 5 = 20 और दशमलव इतना समथिंग आएगा, 25.4 आएगा। एक और प्रोसेस इसका देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस एक है, एक अगला प्रोसेस जिसमें क्या करना है सिंपली कि ये इसका फॉर्मूला n/2 और 1+n ऐसा है, इसको किससे डिवाइड करना है, n से, तो सिंपली n कट जाएगा, मतलब कि ये इसका n+1, यहाँ पर ये 1+n/2, यहाँ से क्या कर देंगे 1+n/n, n नहीं 2 होगा यहाँ पर, ये 2, तो ये कितना है 1 और n कितना है 50, ये इतना आ गया, यानी कि इसको भाग देंगे 50 और 1 51 हो जाएगा, 51 को 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 25.5, ये ऑप्शन ये आंसर आ गया। इसी तरह का वीडियो और भी, ये 24 जुलाई का पूछा हुआ था, ये 24 जुलाई का है। इसी तरह का जो वीडियो जितना भी है, इस बार 23 का तो आज वाला हो गया मैथ का क्वेश्चन, 24 का भी वीडियो बहुत जल्द ही डाल देंगे और 26 का भी, और सभी इसी तरह से डाल देंगे।